गोहाना भाविप के मेगा कैंप में 672 ने किया रक्तदान। भारत विकास परिषद की गोहाना इकाई द्वारा रविवार को शहर में बरोदा रोड पर स्थित बाल भारती विद्यापीठ में मेगा रक्तदान शिविर लगाया गया। इस आयोजन में 672 नागरिकों ने रक्तदान किया। रक्त संकलन के लिए दिल्ली के शालीमार बाग से लॉयंस ब्लड कैंप की दो टीम्स तो सोनीपत से रोटरी ब्लड बैंक से भी दो टीम्स पहुंची। रक्तदान शिविर की अध्यक्षता भाविप के रक्तदान नेत्रदान देहदान के प्रदेश संयोजक रविन्द्र गर्ग ने की तथा संयोजन गोहाना भाविप के अध्यक्ष सुनील कुच्छल, सचिव ललित गोयल, कोषाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता और महिला संयोजिका सीमा जैन ने किया। मार्गदर्शन के लिए भाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल और प्रदेश कोषाध्यक्ष सुरेश मित्तल पहुंचे। मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश सचिव और राई के विधायक मोहनलाल बड़ौली, सीएम के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन, सोनीपत भाजपा के जिला अध्यक्ष तीर सिंह राणा, वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश खुराना, सोनीपत जिला परिषद के नए जिला पार्षद जय सिंह मलिक और तकदीर सिंह नरवाल, गोहाना बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र भनवाला और बाल भारती विद्यापीठ के MD हरिप्रकाश गौड़ रहे। गोहाना भाविप के अध्यक्ष सुनील कुच्छल ने कहा कि चार चार टीम्स के होते अनेक रक्तदाताओं को इसलिए निराश लौटना पड़ा कि रक्त बैंकों ने पर्याप्त प्रबंध नहीं किए। रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए रामकुमार मित्तल, सुनील मेहता, नीरज मेहता, डॉक्टर BK गुप्ता, डॉक्टर रंजना गुप्ता, डॉक्टर चक्रवर्ती शर्मा, परीक्षित कत्याल आदि भी पहुंचे। विकास परिषद सेवा के क्षेत्र में काम करने वाला एक अखिल भारतीय संगठन है। बहुत सारे सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में, देश भर में लगभग 1500 शाखाएं निरंतर सक्रिय रहती है। रक्तदान के लिए भी भारत विकास परिषद का एक बड़ा अभियान जो है देशव्यापी चलता है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने इस वर्ष भी आह्वान किया था कि देश भर में हम एक बड़ा ब्लड बैंक डेटा तैयार करेंगे और जिसके नाते हम देश भर में कहीं भी किसी को भी ब्लड की आवश्यकता होगी तो उसको हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से उस स्थान पर उपलब्ध कराएंगे उसे, क्योंकि हम जानते हैं कि रक्त एक जीवनदायी तत्व है शरीर के अंदर और वो मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं हो सकता, और इसीलिए इस रक्त को, ब्लड को, जो ईश्वर के द्वारा निर्मित है, मनुष्य उसे अपने शरीर के माध्यम से जो उत्पन्न करता है वो दूसरे के जीवन को बचाने के काम आता है। इससे बड़ी मुझे लगता है कोई सेवा नहीं हो सकती। रक्तदान के माध्यम से इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब किसी को ज़रूरत हो उस समय उसे रक्त उपलब्ध होना चाहिए। और जिस प्रकार से ब्लड बैंक्स के माध्यम से गरीब लोगों के को जो है एक राहत के रूप में इस प्रकार की संस्थाओं के द्वारा काम किया जाना चाहिए कि जब उनको आवश्यकता हो तब कम से कम पैसे में जो उनको उपलब्ध हो सके और बिना किसी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज के, औपचारिकताओं के उन्हें उपलब्ध हो सके, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत विकास परिषद को इस क्षेत्र में, इस दिशा में काम करना चाहिए और हम सब लोग मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। शरद स्वामी विवेकानंद जी की जयंती का सप्ताह मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद हमारे आराध्य हैं। हम जानते हैं कि हमारे कोई भी कार्यक्रम में भारत माता और विवेकानंद का चित्र लगता है, तो देशव्यापी कार्यक्रम है हमारा। विवेकानंद जयंती का सप्ताह हम लोग मनाते हैं और इसमें बहुत सारे आयोजन करते हैं। सर्दी में गरीब लोगों को कंबले बांटना, वस्त्र बांटना, जूते बांटना, बच्चों को स्कूलों के अंदर किताबें बांटना और तरह तरह से सर्दी को बचाव के लिए जो निर्धन लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनकी सहायता करना और उसी में से सेवा के विभिन्न प्रकार के काम भी हम लोग करते हैं। तो विवेकानंद जयंती का ये सप्ताह पूरे देश भर में मनाया जाता है और गोहाना की शाखा के द्वारा जो आयोजन किया गया है वास्तव में अनुकरणीय है। एक बड़ी संख्या में गोहाना के लोग ब्लड रक्तदान के प्रति जागरूक हैं और मैं समझता हूं कि गोहाना के लोगों को इस सेवा के क्षेत्र में और आगे आकर के काम करना चाहिए। मैंने आपको निवेदन किया है कि इस बात को मैं भी महसूस करता हूं और हम भारत विकास परिषद के माध्यम से आने वाले समय में इस विषय में और गति गंभीर होकर काम करेंगे। सर, हमारे शरीर में लगभग 10 यूनिट ब्लड होता है। गोहाना में मेरे ख्याल से सैकड़ों और दान कैंप लगाए जाते हैं महीने के अंदर, कहा जाता है। लेकिन किसी प्रकार की युवाओं को मेडिसिन से बचाने के लिए, युवाओं को सही राह पे लाने के लिए प्रतियोगिताएं वगैरह, खेल प्रतियोगिता वगैरह अनुपात में
बिल्कुल देना चाहिए। भारत विकास परिषद के माध्यम से आने वाले समय में हम हरियाणा के अंदर खेलों के माध्यम से युवाओं को नशे से बचाने का काम करेंगे। सर परिचय, विक्रांत खंडेलवाल, संगठन मंत्री, भारत विकास परिषद।